की हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है मेरी जान मेरे मुल्क के लिए, हाजिर है मेरी जान मेरे मुल्क के लिए, गद्दारी वतन से मेरा ईमान नहीं है, गद्दारी वतन से बेश, बेश, बहुत, बहुत, पैदा यही हुए हैं, यही दफन भी होंगे, पैदा यही हुए हैं, यही दफन भी होंगे, हम जाए मुल्क छोड़ के आसान नहीं, बेशक बेशक आसान नहीं है, आसान नहीं है। आप हजरत बेदारी का सबूत है, बड़ी खामोशी चाहिए, बड़ी खामोशी चाहिए। ये खामोशी है कैसी मेरे साथ, ये खामोशी है कैसी मेरे साथ, छेड़ नगमा कोई कैफ मस्ती में आ। हजरत नजम हसन साहब अपने दिल चीर के आपके सामने रख रहे हैं, आप अपनी जबान से हौसला अफजाई तक नहीं कह रहे, हौसला अफजाई करें भाई दिल खोल करके, ताकि ये शब्बेदारी हमारे लिए इबादत में गुजरे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी करें, इस तरह से उनकी हौसला अफजाई भी होती रहेगी। दोस्तों कागजी भूल पे शोला नहीं रखा जाता, माशाअल्लाह, कागजी भूल पे शोला नहीं रखा जाता, कागजी भूल पे भूल पे, कागजी भूल पे शोला नहीं रखा जाता, से नहीं बोला जाता, माशाअल्लाह, बाबा बोला जाता, नहीं बोला जाता, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत, सारे दुख दर्द वो हंस करके सह लेती है, बेशक सारे दुख दर्द को हंस के वो सह लेती है, सारे दुख दर्द को, दर्द को, सारे दुख दर्द को वो हंस कर के सह लेती है, माँ से रोता हुआ बच्चा नहीं देखा जाता, वाह भाई वाह, माशाल्लाह, क्या कहने हैं नज़्म हसन साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर, दीनी बेदारी कॉन्फ्रेंस, इधर वाले लोग लगता है ठीका ले लिया, इधर वाले लोग सब किराए पे रह गए, थोड़ा आप लोग भी बोल सकते हैं, नारे तकबीर, दीनी बेदारी कॉन्फ्रेंस, जामिया उम्मुल मोमिनीन आयशा अली बनात,
सर जमीन बलुआ सर जमीन बलुआ माशाल्लाह बहुत बहुत माँ से रोता हुआ बच्चा नहीं देखा जाता बेशक बेशक चार माँ के हवाले सवाल पढ़ता हूँ जी जी इरशाद हो कि महंगे कंबल बीवी को लाता है क्यों लाता है शिकायत अगले शेर में सुनिएगा अगले मिसरे में कि महंगे कंबल बीवी को लाता है माँ की एक शान भूल जाता है क्या दर्द है माशाल्लाह एक शान भूल जा उससे राजी होता नहीं होता उससे राजी होता नहीं होता अपनी माँ का जो दिल दुखाता है हकीकत है सच है माशाल्लाह हकीकत है दुखाता है उससे राजी खुदा नहीं होता अपनी माँ का जो दिल दुखाता है अब चारा जब माँ की बात आ ही गई जी 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 के हवाले से एक नज़्म पढ़ दूं दोस्तों आज हमारे माशरे के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी है जो कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है वो बीमारी क्या है जहेज ये वो ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आज भी हमारे घरों में हमारे पड़ोसों में हमारे गांव में तमाम ऐसी मेरी बहनें हैं जिनके वालिद गरीब हैं जिनकी वजह से उनकी शादियां रुकी हुई हैं एक नज़्म पढ़ता हूँ एक मिशन है आप नौजवानों जिनकी शादियां हो गई हैं जिनकी नहीं हुई सबको इस नज़्म में मेरी तायीद करनी है एक मिशन है एक नज़्म नहीं बल्कि मिशन है आपको इसकी जो है तायीद करनी है आपको सपोर्ट करना है मैं ये नज़्म उन दिनों लिखा था जब अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे हमारी एक बहन जिसका नाम आयशा था वो एक वीडियो बनाती है वीडियो बनाने के बाद वो नदी में कूद जाती है उसने बताया कि वो ये क्यों कर रही है ये सुसाइड उसने बताया कि जहेज की वजह से हमें घरों में परेशान किया गया तब मैंने ये नज़्म लिखी थी चल जल्दी से नज़्म पढ़ता हूँ सर राज भाई सुने जी इरशाद हो ये है एक बेटी का पैगाम ये है एक बेटी का पैगाम ये है एक बेटी का पैगाम जहेज लानत का है नाम जहेज का बंद चलन हो मत करता है सुबह शाम मचाए जीवन में कोहराम जहेज का बंद चलन हो माशाल्लाह बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं आप चलन हो अब जहेज का बंद चलन हो जो जहेज के भिखारी हैं उन तक ये बंद पहुंचा रहा हूं इरशाद इरशाद दौलत के पुजारी से कह दो दौलत के पुजारी से कह दो एक पल भी सुकून ना पाओगे जो कुछ है जहेज़ों की मंडी में क्या कब्र में ले जाओगे अहमदाबाद हो या पंजाब वो चाहे यूपी हो या आसाम जहेज का बंद चलन हो माशाल्लाह सुभान अल्लाह जहेज का बंद चलन हो जहेज का बंद चलन हो
अब यहाँ पर मेरे अगर कोई हिंदू भाई बैठे हैं, मैं उनको भी इस बंद में शरीक करता हूँ। मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर जो है एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पर, छोटा सा एडवोकेट हूँ। एक बंद पढ़ता हूँ, तमाम हिंदू भाइयों को शरीक करता हूँ, सुने। इनायत दहेज का बंद चलन हो, इंसान जो अपनी बीवी के, इंसान जो अपनी बीवी के खुद मौत का कारण बनता है, दुनिया की नजर में गंदा है, अल्लाह का दुश्मन बनता है, करे ना करे ना माफ उन्हें भगवान, वो चाहे घूमने चारों धाम, जहेज का बंद चलन हो। वाह वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे। कितने लोग मेरी इस नज़्म की तायद करते हैं, हाथ उठा करके बताएं। इरशाद इरशाद। अब आइए तालीम के हवाले से कुछ बात कर ली जाए। दोस्तों तालीम, मैंने भी रास्ते में आते हुए जो अपने भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मैं इनका कितना शुक्रिया अदा करता हूं, मैं समझता हूं भाई जिनकी जिनके हुक्म पर आज मेरी हाजिरी हुई। मैंने रास्ते में आते वक्त इनसे कहा कि हमारी कौम को ट्रिपल टी पर मेहनत करने की जरूरत है। थ्री टी से मुराद है टी टी टी, यानी हमें इस वक्त जो सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, पहला टी ये है कि तालीम पर हमें मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा टी क्या है, हमें तिजारत करना है, हमें जो तिजारत करके जो है अपने बच्चों को